अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। दिस इज़ हमज़ा हुसैन राणा और आप देख रहे हैं जी मेरा यूट्यूब चैनल जी। तो आज हम बात करने जा रहे हैं खसूसन उन बच्चों के लिए जिनके क्वेश्चन थे कि सर फिफ्थ सेमेस्टर में एडमिशन जो है वो कब से स्टार्ट हो रहे हैं और एमए एमएससी को क्या मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया है। इससे रिलेटेड बहुत सारे और भी क्वेश्चंस डेफिनेटली आपके माइंड में होंगे कि क्या ये एडीएस के लिए है, एडीपी के लिए है। वो तमाम चीज़ों के क्वेश्चन के आंसर जो हैं वो इंशाल्लाह इसी वीडियो में देंगे। तो इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी ऑडियंस जो है वो ऐसी जो है वो होती है जो कि सब्सक्राइब नहीं होते। तो आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। व्यू ज़रूर करें लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है और हम और ज़्यादा पुरजोश होकर जो है वो नई इंफॉर्मेटिव कंटेंट के साथ आपके सामने हाज़िर होते हैं जी। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि जो बच्चे सोच रहे थे कि सर जो एडमिशन्स हैं वो कब से ओपन हो रहे हैं और क्या इसके बारे में क्राइटेरिया होगा, तो मैं उनको डिटेल में ये बताना चाहता हूँ कि देखें एमए एमएससी के जो एग्ज़ाम एमए एमएससी के जो एडमिशन्स थे अब उनको जो है वो ख़त्म कर दिया गया है। और ये जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद ने नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें उन्होंने ये चीज़ जो है वो बताई थी कि एमए एमएससी की जगह या जो है या तो एमए एमएससी के इस दफ़ा एडमिशन होंगे या फिर जो है वो फिफ्थ सेमेस्टर में बच्चों को एडमिट किया जाएगा। और मोस्ट प्रोबेबली जो चीज़ें क्लियर हुई हैं वो यही हैं कि इस दफ़ा एमए एमएससी जो है वो उसको ख़त्म कर दिया गया है और जो फिफ्थ सेमेस्टर है उसमें ही एडमिशन जो है वो किए जाएंगे। और ये एडमिशन्स कब से ओपन होंगे इसके बारे में अभी तक जो है वो यूनिवर्सिटी ने कुछ भी डिस्क्लोज़ नहीं किया। अभी डेफिनेटली जो पहले से बच्चे बीए बीएससी के एग्ज़ाम क्योंकि अभी भी यूनिवर्सिटी के नहीं हो सके और अभी कुछ डेट शीट जो है वो बीए बीएससी की आ चुकी है लेकिन वो अब तक क्लियर नहीं है कि वो एग्ज़ाम जो है वो होंगे या नहीं होंगे। तो इस हवाले से जो है वो यूनिवर्सिटी जो है वो गाइडलाइन देगी कि ये एमए एमएससी के एडमिशन यानी जिसको हम अब फिफ्थ सेमेस्टर का एडमिशन कहेंगे वो फिफ्थ सेमेस्टर का एडमिशन जो है वो कब से शुरू होगा। बाकी जो है वो बच्चे जो है वो पूछ रहे थे कि एडीएस या एडीपी सेम हैं, तो डेफ़िनेटली ये जो हमारे बीए बीएससी है ये एडीपी प्रोग्राम जिसको हम कह सकते हैं जिसमें एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम है। और अगर आप साइंस में पढ़ रहे हैं यानी बीएससी कर रहे हैं तो इट विल बी एडीएस यानी एसोसिएट डिग्री इन साइंस। और इसी तरह से अगर आप आर्ट्स में यानी बीए कर रहे हैं तो एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स। तो ये सबके लिए है, आप जो है वो फिफ्थ सेमेस्टर में एडमिशन जो है वो ले सकते हैं। आपको इसके लिए जस्ट जो है वो यूनिवर्सिटीज़ जो हैं कुछ एक्स्ट्रा कोर्सेज या कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर जो है वो डिज़ाइन करेगी जिसमें जो है वो आपको सब्जेक्ट में एडमिशन लेने के लिए जो है वो पहले उस करिकुलर को करना होगा, उसको पास आउट करना होगा, उसके बाद फिर आप इस सेमेस्टर में एडमिशन ले सकेंगे। तो अब तक की जो न्यूज़ है वो अब तक की जो अपडेट है उसके मुताबिक एमए एमएससी जो है वो उसको मज़ीद अब जो है वो नहीं किया जाएगा, उसमें एडमिशन नहीं लिया जाएंगे। उसकी जगह फिफ्थ सेमेस्टर में जो है वो आपको एडमिशन जो है वो दिया जाएगा। और ये एडमिशन्स जो हैं वो जैसे ही बीए बीएससी के एग्ज़ाम्स होते हैं तो जो कि 23 सितंबर से स्टार्ट होना थे लेकिन अभी भी उसके बारे में कोई हमें बहुत ज़्यादा गाइडलाइन नहीं है कि वो एडमिशन जो हैं वो यानी वो जो एग्ज़ाम हैं वो होते हैं या नहीं होते। तो फिर उसके बाद ये जो है वो फिफ्थ सेमेस्टर में दाखिले एडमिशन जो हैं वो ओपन होंगे। तो उम्मीद है कि आपके जहन में जो क्वेश्चन थी जो क्वेरीज थी वो आपकी कंप्लीट हो गई होंगी और अगर फिर भी जो है वो कुछ चीज़ें हैं तो आप कमेंट कर दीजिएगा। और साथ ही जो है वो आप मेरी YouTube की जो शॉर्ट की सीरीज़ है शॉर्ट सीरीज़ आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं क्योंकि जनरल जो कमेंट्स हैं कुछ कुछ वन लाइनर जो होते हैं वो शॉर्ट्स में भी जो है वो मैं क्लियर करता रहता हूँ स्टूडेंट्स के। इसके अलावा आप मुझे जो है वो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं मिस्टर HHR के नाम से जो है वो मेरा अकाउंट है और वहाँ पर भी आपको इस तरह की अपडेट्स जो हैं वो मिलती रहेंगी। तो उम्मीद है कि आप जो है वो इन गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे और आपके जो क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हुए होंगे। इंशाल्लाह जैसे ही नई अपडेट आती हैं तो ज़रूर आपको जो है उस बारे में बता दिया जाएगा। रखिएगा अपना ख्याल तब तक के लिए और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।